फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सभी परीक्षाएं जो हैं स्थगित हो गई है। बिहार सरकार के आदेश 31 मार्च तक जो भी आदेश आई है उसके अनुसार जो है 31 मार्च तक जो है PPU और PU की सभी परीक्षाएँ जो है स्थगित की गई। इस बीच में जो भी परीक्षाएँ होने वाली थी या जो भी परीक्षाएँ अटकी हुई है, जो चल रही है, उस परीक्षा को, सारी परीक्षाओं को रद्द कर दी गई। अब जानते हैं डिटेल से कौन कौन से परीक्षा को रद्द की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, पटना यूनिवर्सिटी में जो परीक्षाएं चल रही थी, जैसे पार्ट थ्री की अंतिम परीक्षा थी वो सैटरडे को होने वाली थी। जो पार्ट थ्री की परीक्षा अभी चल रही थी वो पार्ट थ्री की परीक्षा जो है सैटरडे को होने वाली थी, यानी शनिवार को होनी थी, लेकिन उस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया। अब परीक्षा कब तक स्थगित होगी इसकी कोई अभी डेट फिक्स नहीं है कब तक। अगर नोटिस आगे बढ़ सकती है, 31 मार्च के आगे भी बढ़ सकती है, तो आगे भी स्थगित रहेगी परीक्षा। फिलहाल परीक्षा को स्थगित कर दिया गया और फिर से इस एग्ज़ाम को री एग्जामिनेशन, यानी फिर से आपको जो एग्ज़ाम ये कब लिया जाएगा इस एग्जाम को, तो वो अभी डेट अभी कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन ये पार्ट थ्री की जो परीक्षा शनिवार को होनी थी वो अभी बंद हो चुकी है, स्थगित हो चुकी है। उसी तरह अगर बात करें पटना यूनिवर्सिटी की स्नातक पार्ट टू की, 27 मार्च से परीक्षा होने चालू होने वाली थी। 27 मार्च से स्नातक पार्ट टू की परीक्षा चालू होने वाली थी पटना यूनिवर्सिटी में, जो उसको भी स्थगित कर दिया गया। फिलहाल अभी ये बताया नहीं गया है कि कब तक फिर से दोबारा जो है पार्ट टू की परीक्षा ली जाएगी। पार्ट टू की परीक्षा 27 मार्च के अलावा कब से ली जाएगी, ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया है। फिलहाल ये 31 मार्च के बीच में जो भी एग्ज़ाम लेनी थी पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, तो उसको जो है अभी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पटना यूनिवर्सिटी की पार्ट थ्री की परीक्षा जो होने वाली थी वो रद्द कर दी गई। वहीं पर स्नातक पार्ट टू यानी कि BA BSc BCom जो भी आते हैं उस पार्ट टू की परीक्षा 27 मार्च से होने वाली थी वो भी जो है स्थगित कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेता हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की अगर हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात करें, तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो भी एग्ज़ाम हो रही थी, फिलहाल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कोई एग्ज़ाम हो नहीं रही थी लेकिन होने वाली थी। तो देखिए यहाँ से दिया गया, यहाँ पर नोटिस में अगर आप जाते हैं तो नोटिस में देखते हैं, तो नोटिस में भी फिलहाल कोई भी नोटिस नहीं आई है। एग्ज़ाम स्थगित हो जो हुई है उसको लेकर के अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात करें, तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एक एग्ज़ाम होने वाली थी, PhD टेस्ट होने वाला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो PhD टेस्ट जो होने वाली थी वो होने वाली थी बीच 20 मार्च से। तो 20 मार्च से जो PhD टेस्ट होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया और उसका डेट को बढ़ा दी गई है। तो लेकिन ये कब तक डेट बढ़ेगी और कब तक ये फिर से ली जाएगी परीक्षा, ऐसा कोई भी फिक्स डेट अभी नहीं बताया गया। हो सकता है कि 20 मार्च से अभी स्थगित की जाएगी, हो गई है 31 मार्च तक जो है पूरे बिहार में जो है कॉलेज स्कूल बंद होने के कारण 31 मार्च तक जो है स्थगित कर दिया गया है। और आगे हो सकती है, अगर बंद हो तो आगे भी डेट बढ़ सकती है। वहीं पर जो भी स्टूडेंट्स पार्ट वन में आते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, पार्ट वन वाले स्टूडेंट्स जो भी आते हैं, तो जिस भी स्टूडेंट्स का पार्ट वन में एग्जाम है, अगर देखिए PhD टेस्ट जो होने वाली थी वो 20 मार्च से होने वाली थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 मार्च से जो PhD टेस्ट होने वाली थी इसके डेट को अगर बढ़ाया जाएगा, तो पार्ट वन की परीक्षा जो 3 अप्रैल से होने वाली थी इसके डेट को भी बढ़ाने का चांस बन रहा है। उसी तरह पार्ट टू के, यानी कि सारी परीक्षा जो है, सारी परीक्षा में जो है अपना जो है जो भी शेड्यूल है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में PhD टेस्ट जो 20 मार्च से होने वाली थी उसको स्थगित कर देगी, और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो भी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री की परीक्षाएं होने वाली थी, तो वो सारा कुछ का इस पे जो है प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि इन सारा कुछ का डेट जो है बढ़ जाए। तो जो भी 3 अप्रैल से होने वाली परीक्षा थी पार्ट वन की, हो सकती है वो पार्ट वन की परीक्षा 3 अप्रैल से ना हो, बढ़ जाए। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।